पिछोर तहसील की मानपुर पंचायत में गरीब आदिवासी हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान पर राशन नहीं मिल पा रहा है। आदिवासी परेशान हैं। पिछले 3 महीने से गरीब आदिवासियों को राशन नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन हमारे हिस्से का राशन बेच देता है और राशन की कालाबाजारी करता है। आदिवासी महिला ने बताया कि हमारे बच्चे भूखे पेट सोते हैं, हमसे खाना मांगते हैं, मजदूरी करके जो पैसा हमें मिलता है उससे हम बच्चों को खाना नहीं दे पाते हैं। इस वजह से हम आदिवासियों के बच्चे भूखे पेट ही सो जाते हैं। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि जब से कोरोना लगा है तब से शासन से के द्वारा गरीब आदिवासियों और हितग्राहियों को डबल राशन मिलना था, लेकिन सेल्समैन के द्वारा अभी तक किसी को राशन नहीं बांटा गया है। यहां तक कि 3 महीने से राशन वितरित नहीं हुआ है। इस वजह से आज मानपुर गांव के सभी आदिवासियों के साथ मिलकर फूड कार्यालय का उन्होंने घेराव किया, साथ ही सेल्समैन को हटाने की मांग की। इस मामले में फूड अधिकारी का कहना है कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? राजू आदिवासी। कहाँ की हो? मानपुर के। अच्छा, आप सभी महिलाएं आदिवासी मानपुर से हैं? हाँ। आप SDM कार्यालय आई थी, क्या समस्या है? हमें जो है साहब राशन नहीं मिल रहा है। 4 महीने में एक बार देता है, कभी वही 2-2 किलो देता है। हाँ। कब से परेशान हो? हम है 1.5 साल से, जब से ये आया है। अच्छा, कौन है सेल्समैन? अजब सिंह यादव। अच्छा, तो क्यों नहीं देता है आपको राशन? क्या करता है आपके हिस्से के राशन का? क्या करता है, बेच देता होगा। बेच देता है? तो कैसे आपका घर कैसे चलता है? हम मजूरी करके मोड़ी मोड़ानों को एक दिन मजूरी कर लिया, 2 दिन नहीं लगे तो अपने बही में से ले गया हूँ, तो अपने एक दौर में 2-2-3-3 रोटी खा गए, स्वादी है। अच्छा, भूखे सोते हैं? हाँ, भूखे स्वादी है। एक रोटी से क्या होता है, 4-5 बाल बच्चे हैं तो आप रहे हैं, अब ऐसे रो रहा है, रोटी दे मम्मी का से दे दें रोटी हम भूखे। हाँ, मंजूरी ऐसी लग नहीं रही, भूखे सोते हैं बच्चे। हाँ। क्या नाम है आपका? शिव कुमार गुप्ता, सरपंच प्रतिनिधि मानपुर। अच्छा, मानपुर से सरपंच प्रतिनिधि हैं आप। ये आपके गांव के आदिवासियों को राशन नहीं मिल रहा है, क्या समस्या है? जब से कोरोना लगा हुआ है हमारे गांव के आदिवासियों को आज तक डबल कंट्रोल मिली ही नहीं है और बहुत परेशान है। अच्छा, तो ये अभी बताया है पिछले 3 महीने से बिल्कुल राशन नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, 2-2 किलो 5-5 किलो दे देते हैं और धोस देते हैं कि तुम जहाँ जाना हो जाओ, मैं तो SDM साहब को 50,000 रुपये दे के आया हूँ और तुम्हें जहाँ शिकायत करना हो वहाँ करो, और मैं उस कंट्रोल पे राशन नहीं दे सकता, लेना हो तो ले जाओ इतना ही। सेल्समैन बोलता है? सेल्समैन, और लगातार कालाबाजारी करते हैं, कभी तो ट्रक पहुँच ही नहीं पाता और बंद से ही खाली हो जाता है। अच्छा, तो पूरा जो है जो राशन आता है उसकी कालाबाजारी करता है? पूरा कालाबाजारी, 5-5 किलो, जबकि 35-35-40-40 किलो मिलना चाहिए, 5-5 किलो दे के भगा देते हैं। अब 2 महीने से तो GST दी है, श्रावण भादों में आदिवासियों ने मजदूरी करके गाँव में एक अपना खर्चा चलाया, राशन नहीं मिला। राशन नहीं मिला सर। ये मानपुर के आदिवासी एकजुट होकर आए हैं, इनको राशन नहीं मिल रहा है, पिछले 4 महीने 3 महीने से बता रहा है राशन नहीं मिला है, क्या है मामला? अभी आवेदन मेरे पास आया है, मैं जांच करूंगा, इसके बाद ही मैं कोई बात बता पाऊंगा आपको कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, 4 महीने से मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी चेक करवाऊँगा सारे व्यक्तियों का व्यक्तिगत की सारी पर्चियों को टैली करवाऊंगा ऑनलाइन कि इनको माल मिला है कि नहीं मिला है, इसके बाद मैं अपना कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा।